दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों दूसरे T20 मैच में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो आज तक जडेजा जैसे दिग्गज तक नहीं बना पाए। पांड्या ने 100 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आखिरकार क्या नई मिसाल कायम की है? कैसे दोस्तों पांड्या की बल्लेबाजी धोनी की तरह चलने लगी और फिर रिकॉर्ड भी बना गई? उनकी बल्लेबाजी से बने इस रिकॉर्ड को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पांड्या और सूर्या में से ज्यादा बेटर कप्तान बनना कौन डिजर्व करता था आपकी नजर में, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के बाद जब कप्तान की घोषणा हुई तो हार्दिक पांड्या को लेकर लोग सत्ते में थे, लेकिन अब जब वो अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रहे हैं तो सबके मुंह पर उंगलियां लग चुकी हैं। 203 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 27 तारीख को हुआ था, लेकिन 28 तारीख को भारतीय टीम ने इसे जीत कर अपने नाम कर लिया। पहले मैच में तो 213 रन ही बन गए थे, जीत निश्चित थी, लेकिन दूसरे मैच की कहानी कुछ और थी। दोस्तों श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया गया, जिसके जवाब में हमारे गेंदबाजों ने मिलकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। हालांकि शुरुआती दौर में श्रीलंका की टीम को अच्छी खासी बढ़त निशंका ने दिलाई थी 32 रन लगाकर, लेकिन हार्दिक पांड्या के एक ओवर ने भारत का कमबैक कराया। दोस्तों आपको बता दें कि ये 16वां ओवर था, जिसकी पहली और चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कुशल परेरा और कुशल मंडिस जैसे खिलाड़ियों को आउट किया जो 53 और 26 रन बना चुके थे। दोनों सेट थे क्रीज पर और हार्दिक पांड्या ने इनका विकेट लेकर भारत का हारे हुए मोड़ से कमबैक कराया। खैर दोस्तों भारत को 162 रन बनाने थे, लेकिन DLS मैटर लगने के चलते 40 गेंद में 75 रन बनाने थे भारतीय क्रिकेट टीम को। जायसवाल के 15 में 30 और 12 में 26 सूर्या के रास्ता तो क्लियर कर चुके थे, लेकिन अब भी टीम को जीतने में कठिनाई हो सकती थी। ऐसे में दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इस पूरी सीरीज के सबसे तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी। उन्होंने 244 का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा और 9 गेंदों के अंदर ही 3 चौके 1 छक्का जड़कर 22 रन लगाकर अपने देश को विजयी बना दिया। दोस्तों यह हार्दिक पांड्या की ही पारी थी जिसके चलते हम 7 विकेट के अंतर से जीते, लेकिन हार्दिक पांड्या का यही परफॉर्मेंस, यही ऑलराउंड परफॉर्मेंस ना सिर्फ भारत को जीत दिलाकर गया बल्कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड मिसाल भी बनवा गया है। दरअसल दोस्तों हार्दिक पांड्या इकलौते ऐसे ऑलराउंडर बन गए हैं भारत की तरफ से जिसने एक ही मैच में 2 विकेट लेकर 250 के स्ट्राइक रेट से भारत के लिए फिनिश किया हो। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने इस पूरी सीरीज में जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है। ये कंट्रीब्यूशन तो उनका दूसरे मैच में था, लेकिन अगर पहले मुकाबले की बात करी जाए तो बल्ले से भले ही हार्दिक पांड्या ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना किया हो, लेकिन जब गेंदबाजी की बात आई थी तब हार्दिक पांड्या ने आगे बढ़ चढ़कर परफॉर्मेंस दी थी और वहाँ भी उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने तो रिकॉर्ड बना दिया और सबको बता दिया कि कप्तान ना बनकर वो कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप सभी उनकी इस पारी, उनकी विकेट टेकिंग गेंदबाजी और साथ ही साथ रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आज बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर श्रीलंका की टीम 20 ओवर के अंदर 161 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई। हालांकि इसका पीछा करने के लिए मैदान पर आई भारतीय टीम ने तेजी से शुरुआत करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया। इस बीच भारतीय टीम को बेहतर तरीके से जीत मिल गई और सीरीज को भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया, जहां पर रवि बिश्नोई ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए तो वहीं अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को 2-2 विकेट मिले। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने दिल जीत लेने वाला बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ शानदार जीत मिल चुकी है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है, साथ में बल्लेबाजों की जबरदस्त बल्लेबाजी भी देखने को मिली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आज के दिन अगर रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन इन सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को शानदार जीत मिल चुकी है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाज और बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन कर पाए हैं। अगर इन सभी खिलाड़ियों के चलते ही भारतीय टीम को जीत मिल पाई है तो वहीं हाशिम आमला ने बयान देते हुए कहा है कि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है।
आज के दिन भारतीय टीम के लिए इन सभी खिलाड़ियों ने टीम को अपने मजबूत प्रदर्शन के चलते जीत दिला दी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह ने बेहतर गेंदबाजी की है। इसके अलावा बल्लेबाजों ने भी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करने का कार्य किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को जीत न मिले तो इस टीम का कोई भी वजूद नहीं रहेगा, लेकिन इन सभी खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के चलते ही भारतीय टीम दुनिया में सबसे बेहतर है। तो वहीं डेल स्टेन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को इस मैच के अंदर अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के बेहतर प्रदर्शन के चलते जीत मिली है, क्योंकि इन दोनों ने एक ऐसे मैदान पर बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखा दी है जहां पर स्पिन गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिल रही थी। ऐसे में तेज गेंदबाजों ने इस समय काफी ज्यादा बेहतर तरीके से गेंदबाजी कर सभी को प्रभावित कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले मैच को तो पहले ही जीत गई थी, लेकिन दूसरे मैच में मुझे उम्मीद थी कि भारतीय टीम को टक्कर देने का कार्य श्रीलंका की टीम करेगी, लेकिन भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से श्रीलंका की टीम को उनके सामने खड़े होने का मौका तक भी आज नहीं दिया। तो वहीं फाफ डुप्लेसिस ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को दूसरे टी20 मैच में बेहतर तरीके से जीत मिल चुकी है। इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने आज काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है, साथ में सभी ने आज अपनी बल्लेबाजी से भी प्रभावित कर दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में अगर आज भारतीय टीम को तो इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर जीत दर्ज करने का मौका मिला है तो उसमें सभी खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के लिए किसी एक या फिर दो खिलाड़ी का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है, बल्कि पूरी टीम ने आज अपने प्रदर्शन के जरिए टीम को जीत दिलाने का कार्य किया है, जो बताता है कि भारतीय टीम अब अलग तरीके से खेल रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला गया, जहां पर इस मैच में आज भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए श्रीलंका की टीम को आमंत्रित किया, जहां पर श्रीलंका की टीम 20 ओवर के अंदर 161 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई भारतीय टीम ने बेहतर तरीके से बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया। ऐसे में आज भारतीय टीम को मिली बेहतर तरीके से जीत के बाद दुनिया भर के दिग्गज दंग रह गए और उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए बयान जारी किया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से सभी गेंदबाजों ने काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी की है, जिसमें रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है कि भारतीय टीम के लिए ये गेंदबाज ज्यादा ही बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने का कार्य कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई के अलावा अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने भी बेहतर गेंदबाजी करके दिखाई है, जिसके चलते बल्लेबाजों को फायदा मिला और मैच जीत गई। तो वहीं रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शानदार तरीके से जीत मिल गई है। आज के दिन एक बार फिर से भारतीय टीम ने सभी को बता दिया है कि ये टीम अब अलग युग के साथ क्रिकेट खेल रही है। मॉडर्न क्रिकेट में सभी खिलाड़ियों का अटैकिंग अंदाज देखने को मिल रहा है और इस टीम ने भी आखिरकार ये काम कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि ये टीम अगर इसी तरीके से आगे भी बेहतर प्रदर्शन करती रहे तो मुझे लगता है कि इस सीरीज में भारतीय टीम को क्लीन स्वीप के जरिए जीत मिलने का पूरा मौका है, परंतु मुझे लगता है कि इस बार के आज के मैच में भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी के साथ में बल्लेबाजी के चलते काफी बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज की है। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से किसी एक या दो खिलाड़ी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, बल्कि भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से पूरी टीम ने एकजुट होकर सिर्फ बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए इस मैच के अंदर रवि बिश्नोई ने सबसे ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई है, साथ में अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने भी आज बेहतर बल्लेबाजी करके दिखाई है। ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय टीम को गेंदबाजों के चलते शानदार तरीके से जीत मिली है, लेकिन बल्लेबाजों ने भी टीम को जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है। इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन नहीं कर पाया है, बल्कि सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए टीम को जीत दिलाने का कार्य किया है।
इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर से इन गेंदबाजों ने भारतीय टीम को बता दिया है कि ये सभी खिलाड़ी भारत को जीत दिलाने के लिए सक्षम है। ऐसे में इन बल्लेबाजों ने ज्यादा गेंदबाजों पर इस समय विश्वास किया जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ इस सीरीज को जीत चुकी है और मुझे लगता है कि इस सीरीज के अंदर भारतीय टीम अब क्लीन स्वीप भी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारतीय टीम पहले T20 मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद